बच्चों आगे बढ़ते हैं बहुपद में। हम लोग ये चार टॉपिक कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। हम लोगों ने अभी सीखा है कि शून्यों का ज्यामिति अर्थ क्या होता था। अब हमें टॉपिक पढ़ना है शून्यों और गुणांकों में संबंध, बहुत आवश्यक टॉपिक है ये। और बहुपद प्राप्त करना, विभाजन एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं कि बहुपद प्राप्त करने वाला टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे, बड़ा जरा सा है, उसके बाद फिर शून्य और गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। तो बहुत छोटी सी बात है कि बहुपद प्राप्त करना अगर हमें शून्य दिए हों, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख दे रहे हैं शून्य जो भी होंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे बहुपद। बहुत काम की चीज़ है, तो बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, हल्के में बिल्कुल ना लीजिएगा। तो शून्य मान लीजिए किसी बहुपद का एक शून्य है, तो वो किस प्रकार का बहुपद है बच्चों? रेखीय बहुपद है। हम जानते हैं कि रेखीय बहुपद का एक ही शून्य होता है। तो अगर मान लीजिए एक शून्य दिया हुआ है, आपसे कहा गया कि बहुपद बनाइए, तो बहुपद होगा बच्चों एक्स माइनस अल्फा। उदाहरण के लिए जैसे हमने आपसे कहा गया कि वह बहुपद प्राप्त करें जिसका शून्य माइनस चार है। प्रश्न सुन लीजिए, वह बहुपद प्राप्त करें जिसका शून्य माइनस चार है, अर्थात अल्फा का मान यहां पर माइनस चार दिया गया है। आपसे कह रहा है बहुपद प्राप्त करें। जनरली क्या होता है, बहुपद दिया होता है शून्य प्राप्त करने के लिए कहता है, उल्टा काम। अगर मान लीजिए शून्य माइनस चार है, अब हम जानते हैं कि अगर बहुपद अल्फा है, तो अगर शून्य अल्फा है तो रेखीय बहुपद है वो। ये कौन सा बहुपद है बच्चों? ये है रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका एक ही शून्य होता है। तो बहुपद क्या होगा? बहुपद होगा बच्चों एक्स माइनस अल्फा। शून्य को ही अल्फा कहते हैं, अल्फा का मान यहां पर क्या है? माइनस चार। तो एक्स माइनस और माइनस का चार, तो ये आ जाएगा फाइनली एक्स प्लस चार। अब देखिए जब एक्स प्लस चार को आप जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स का मान माइनस चार आ जाएगा। तो अगर रेखीय बहुपद है और एक शून्य इसका दिया गया है, तो बहुपद क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं और बहुपदों में। अब जैसे मान लीजिए द्विघाती बहुपद है, यहां पर नंबर वन ये लीनियर था, जगह थोड़ी सी कम है। दूसरे नंबर बी पे अगर मान लीजिए द्विघाती बहुपद है, तो उसके दो शून्य होंगे अल्फा और बीटा। तो अगर द्विघाती बहुपद है उसके दो शून्य होंगे, और उस दशा में बहुपद क्या होगा बच्चों? एक्स माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा। अगर द्विघाती बहुपद है तो उसके दो शून्य होंगे अल्फा और बीटा, तो बहुपद क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा। अब इसको अगर आप हल कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी इसको हम और विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। तो द्विघाती बहुपद है, सबसे आसान तरीका यही है, जो बहुपद दिए हो, अगर एक बहुपद है शून्य एक्स माइनस अल्फा, अगर दो बहुपद हैं दोनों दिए गए हैं तो एक्स माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि कोई द्विघाती बहुपद प्राप्त करिए जिसके शून्य मान लीजिए जीरो और माइनस चार है। आपसे कहा गया ऐसा द्विघाती बहुपद प्राप्त करिए जिसके शून्य जीरो और माइनस चार है, अर्थात अल्फा का मान हो गया जीरो और बीटा का मान हो गया माइनस चार। तो बहुपद क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा, अर्थात एक्स माइनस जीरो गुणे एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स प्लस चार। तो एक्स गुणे एक्स प्लस चार गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स, ये बहुपद आपके सामने आ गया, ये द्विघाती बहुपद मिल गया आपको। और आगे बढ़ते हैं। अब आप पैटर्न समझ ही गए होंगे कि त्रिघाती बहुपद के साथ क्या होगा बच्चों। तो अगर मान लीजिए सी नंबर में अगर कोई त्रिघाती बहुपद है तो उसके कितने शून्य होते हैं, ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। त्रिघाती बहुपद के कितने शून्य होते हैं बच्चों? तीन। मान लीजिए वो शून्य है अल्फा बीटा और ये गामा, ये सब ग्रीक लेटर है, शून्यों को इनसे व्यक्त किया जाता है। तो बहुपद बच्चों क्या हो जाएगा? तो बहुपद हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा और गुणे एक्स माइनस गामा, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। इसी प्रकार से अगर चार घात वाला बहुपद होगा तो हम शून्य इस प्रकार से आगे निकालते चले जाएंगे बच्चों। तो ये तो बात हो गई कि अगर शून्य दिए हो बहुपद ज्ञात कैसे करना है, तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया कि बहुपद प्राप्त करना अगर हमें बहुपद के शून्य दिए गए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे बहुत आवश्यक टॉपिक कि शून्य और गुणांकों में कोई क्या संबंध हो सकता है क्या, उस पर ध्यान देते हैं। चलिए कि किसी बहुपद के शून्यों और गुणांकों में क्या रिलेशन हो सकती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे, अगर रैखिक बहुपद है
तो बच्चों रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है? रैखिक बहुपद होता है ax प्लस बी। यहां पर गुणांक बच्चों क्या है? a और b है। तो यहां पर संबंध सीधे सीधे यही है कि बहुपद का जो शून्य है उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? अल्फा से, और वो होता है माइनस क्या बी अपॉन ए के बराबर, क्योंकि जब हम इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो एक मान आ जाएगा। तो यहां पर शून्य में सीधा सीधा संबंध हो गया रैखिक बहुपद के, कि रैखिक बहुपद का शून्य माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अचर पद, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, बी क्या है? अचर पद। तो ऋण अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो यह संबंध हो गया कि कोई रैखिक बहुपद है तो उसके गुणांकों और शून्यों में क्या संबंध हो गया, कि शून्य होगा ऋण का आचर पद बटे एक्स का गुणांक। अच्छा, अब मान लीजिए कि रैखिक बहुपद के बाद द्विघाती बहुपद है कोई, बी नंबर पे दूसरे नंबर पे बात करें, अगर मान लीजिए कि द्विघाती बहुपद है तो द्विघाती बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर बच्चों द्विघाती बहुपद के कितने शून्य होते हैं? दो शून्य, अल्फा और बीटा। यहां पर बच्चों शून्यों का सीधा सीधा संबंध इससे नहीं है, शून्यों के योग और गुणनफल का संबंध है। देखिए जरा कैसे। अब यहां पर जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि द्विघाती बहुपद के जो शून्य है वो होंगे अल्फा और बीटा। तो इनका संबंध गुणांकों से इस प्रकार से है कि शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और शून्यों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा ये होता है बच्चों सी अपॉन ए के बराबर। तो शून्यों का योग किसके बराबर होगा? माइनस का बी अपॉन ए, और शून्यों का गुणनफल किसके बराबर होगा? सॉरी, शून्यों का योग माइनस का बी अपॉन ए, शून्यों का गुणनफल सी अपॉन ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्य अर्थात मूल एक ही बात है, चाहे मूल कहे या शून्य कहे। तो द्विघाती बहुपद के लिए मूलों का योग ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से भी हम इसको बच्चों लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये रिलेशन आखिर आई कहां से, कि माइनस का बी अपॉन ए और सी अपॉन ए ये कहां से आया। अब हम लोग बच्चों इस पे डिस्कशन करेंगे, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद इसका डेरिवेशन सीखेंगे हम लोग। चलिए कि ये आया कहां से। तो अब इसको सीखने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है शून्य प्राप्त करने वाला, उसी टेक्निक का यूज करेंगे। तो बच्चों हम जैसा कि जानते हैं कि अगर बहुपद दिया हो और उसका शून्य शून्य दिए हो, बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? द्विघाती बहुपद है तो क्या होगा, वो x माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा। मान लीजिए इसके शून्य है, इस बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है, तो जो बहुपद है पी एक्स वो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। हो सकता है कि इस पूरे बहुपद में किसी एक अचर का और गुणा कर दिया गया हो, तो हम बाहर उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए किसी अचर के का गुणा कर दिया गया होगा इसमें बहुपद में। फॉर एग्जाम्पल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक अचर का गुणा किया गया होगा। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इस तरह से देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक बहुपद लिखा है, मान लीजिए कोई बहुपद लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस चार। अब इसमें अगर पूरे में दो का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर ऋण छह एक्स ऋण आठ। तो बच्चों जो इस बहुपद के शून्य आएंगे वही इस बहुपद के शून्य आएंगे। पूरे में हम चार का गुणा करते हैं तो भी शून्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जिसका गुणा कर रहे हैं वही अचर पद है बस, और कोई मसला नहीं। तो मान लीजिए बहुपद में कुछ कॉमन होगा और वो अचर पद के है बाय चांस, तो हमने के को भी साथ में ले लिया है। तो चलिए अब बहुपद क्या है था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको जरा गुणा कर देते हैं अंदर, तो बराबर ये आ जाएगा के, अंदर इसके गुणा करेंगे इन दोनों का तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स का बीटा में गुणा करेंगे माइनस का बीटा एक्स, माइनस अल्फा का एक्स में गुणा करेंगे माइनस का अल्फा एक्स, माइनस अल्फा का माइनस बीटा में गुणा करेंगे प्लस का अल्फा बीटा। हम गुणनफल सीधे भी लिख सकते थे मगर आपको हम करके भी बता दे रहे हैं कहां से आ रहा है। तो ये के, अब देखिए ये दोनों समान पद है, इसमें एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का एक्स कॉमन ले लीजिए,
जब माइनस का एक्स कॉमन लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, योग को आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए यह थोड़ा सा ठीक लगे हम अल्फा प्लस बीटा लिखे ले रहे हैं, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर के अंदर गुणा कर देते हैं, तो के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणे के अल्फा प्लस बीटा और प्लस के गुणे अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास ये बहुपद था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सीधे सीधे गुणांकों की तुलना कर लेंगे, क्योंकि ये जो बहुपद लिखा हुआ है वही बहुपद तो ये भी है। शून्य अगर अल्फा बीटा थे तो बहुपद इसी तरह से तो बनाया जाता है, तो ये दोनों बहुपद शून्य बराबर है, एक ही बहुपद है, कोई अंतर नहीं इन दोनों में। तो जब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तो इनके गुणांकों की तो तुलना करी जा सकती है ना, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है के राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए। तो यहां पर लिखेंगे, एक लाइन लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा, गुणांकों की तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग कोफिशियंट्स। तो हमने गुणांकों की तुलना करी तो के बराबर क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर गुणांक यहां पर के है और यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर सॉरी के बराबर क्या आ गया ए। अब यहां पे तुलना करेंगे, यहां पर एक्स का गुणांक जो एक्स के साथ अलग से लिखा हुआ है, यहां पे एक्स का गुणांक बी है, तो उस कंडीशन में ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस में भी है, माइनस का भी ध्यान रखेंगे, तो माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर एक्स के गुणांक प्लस के बी के। और समीकरण नंबर एक ऊपर वाले को मान लेते हैं, यहां से k का मान कितना है x, तो यहां पर हम लिख देंगे सॉरी x नहीं a, यहां पर x स्क्वायर गुणांक a होगा, गलत लिख गए थे धोखे से, यहां पर x स्क्वायर गुणांक बच्चों a है, चेंज सही कर लीजिएगा जरा, बाय मिस्टेक लिख गए थे, x स्क्वायर गुणांक यहां पर k है और यहां पर x स्क्वायर का गुणांक a है। चलिए फाइनली अब इसको आगे भेजते हैं, k की जगह a आ जाएगा, तो माइनस का a अल्फा प्लस बीटा बराबर b, यहां पे लिख देंगे, रेफरेंस डाल देंगे, कहां से आया ये समीकरण एक से आया ये, और उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। देखिए माइनस के एक उधर भेज देंगे तो बी अपॉन ए बी अपॉन माइनस का ए आ जाएगा, और माइनस वन का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा। तो यहां पर हमें मूलों का योग प्राप्त हो गया माइनस का बी अपॉन ए, दिख रहा है आप सभी को अल्फा प्लस बीटा, हाँ अभी तो फिलहाल दिख रहा है। अब बगल में इधर लिख देते हैं और तुलना करेंगे जरा गुणांकों की, अब हम अचर पद की तुलना कर लेते हैं, तो यहां पर अचर पद है के अल्फा इंटू बीटा और यहां पर दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में अचर पद है सी। फिर से के का मान रखेंगे समीकरण नंबर एक से, के का मान क्या है ए, तो ए गुणे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों सी अपॉन ए। तो यहां पर मूलों का योगफल प्राप्त हो गया हमें माइनस का बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल प्राप्त हो गया सी अपॉन ए। इसको दूसरे तो हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं बहुपदों के शून्य और गुणांकों में संबंध। रेखीय बहुपद का एक शून्य होता है तो शून्य ही सीधे माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो जाता है। द्विघाती बहुपद में दो शून्य होते हैं, यहां पर शून्यों का सीधा सीधा संबंध नहीं है गुणांकों से, बल्कि उनके योग और गुणनफल का संबंध है। तो शून्यों का योग माइनस का बी अपॉन ए, और बी क्या है और ए क्या है, बी है एक्स का गुणांक और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है अचर पद। उसी तरह से मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया सी अपॉन ए अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने द्विघाती बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध लिखा है, अब हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद के लिए। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं त्रिघाती बहुपद के लिए। चलिए बच्चों रिवाइज करते रहिए और वीडियो को बार बार देखिए, जिससे बिल्कुल कोई समस्या आपको ना रहे। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए त्रिघाती बहुपद के लिए। तो सबसे पहले त्रिघाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म है ये होता है px बराबर ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके शून्य बच्चों क्या होंगे? देखिए बच्चों, इसका तरीका और द्विघाती बहुपद का तरीका सबका बिल्कुल एक ही है, तो इसका डेरिवेशन हम नहीं बताएंगे आपको, आप स्वयं जैसे हमने द्विघाती बहुपद का डेरिवेशन किया है वैसे ही आप इसका करेंगे, और फिर कमेंट में हमें लिख के भेजेंगे कि आपने डेरिवेशन सही किया है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो यहां पर बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इसके शून्य क्या होंगे, तीन होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो यहां पर क्या क्या संबंध हो सकते हैं, वो हो सकते हैं शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब शून्यों के गुणनफल का योग, ध्यान समझिएगा जरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आ सकता है, और फिर अंत में शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ये हम तीन चीजें यहां पर निकालेंगे। तो पहला शून्यों का योग ये हो जाएगा बिल्कुल वही सेम माइनस का बी अपॉन ए माइनस का डी अपॉन ए जैसे उसमें किया था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होगा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, और अंत में माइनस का डी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, उसी तरह से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये क्या आ जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा ये माइनस का डी अपॉन ए। इसको भी हम बिल्कुल उसी प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, इस पूरे बहुपद को हम किसके बराबर मानेंगे, के एक ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा गुणे एक्स माइनस बीटा गुणे एक्स माइनस गामा, तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे और फिर गुणांकों की तुलना कर लेंगे, तो सीधे सीधे यही रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों इस वीडियो में आपको शून्य और गुणांकों में संबंध स्थापित करना भी समझ में आ गया होगा, और इसके एक दो एग्जाम्पल हम लोग अभी अगले वीडियो में करेंगे, और धन्यवाद, टाइम इसमें ज्यादा हो रहा है, चलिए बच्चों।